बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज दे 2 मार्च वर्ल्ड बफलो डे के हवाले नाल असी तमाम साथी इकट्ठे सां। मैनू बड़ी खुशी है कि यह दसदे होया कि इंटरनेशनल बफलो फेडरेशन ने इस इवेंट नू ज्वाइन किया और ऑन किया। ये 8वां साल है कि पाकिस्तान ने इहदा इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान तो शुरू होया सी ये और अज दुनिया मना रही है। इहनू साडी मज दी मुहब्बत ज असी दुनिया नू पैगाम देना चाहते हाँ कि मज तो बगैर कुछ नहीं है। अगर एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक की रीढ़ की कोई हड्डी है तो वह मज है। असी दुनिया के दूजे नंबर से मज इंतजार रखने वाला मुल्क हाँ और असी अपने जेड़े हुकूमत दे आवान ने उत्थे आवाज़ पहुँचाना चाहते हाँ कि अगर तुसी अपने मुल्क की तरक्की वेंदे हो किसी तरीके सरमायाकारी वेंदे हो तो वह मज है। तो इस मज के दिन से मैं तमाम दोस्तों मुबारकबाद देना वा कि इंटरनेशनल बफलो फेडरेशन के जनरल सैकटरी डॉक्टर अटानो बरगेजी और हरियाणा यूनिवर्सिटी तो डॉक्टर इंदरजीत सिंह ने और चाइना के गुआंधी यूनिवर्सिटी तो डॉक्टर शंग ने और वाइस चांसलर सी युवास और वाइस चांसलर युवास ने सानू ज्वाइन किया और एजुकेशन के एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर पाशा साहब भी तशरीफ लेके आए और डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन डॉक्टर आसफ साहब ने आसफ रफीक साहब भी तशरीफ लेके आए। तो प्रेजिडेंट बफलो ब्रीडर एसोसीएशन खान अली इमरान रद्द की सरबराई दे विच साढ़े प्रेजिडेंट ने उन्हों का पहला इवेंट सी ते बड़ा अच्छा होया है। असी समझने कि अगर थोड़े जे इकदाम फार्मर दे नाल तावन किया जाए कि उन्हों की रीप्रोडक्शन वधान दे विच या उन्हों की प्रोडक्ट नू इंट्रोड्यूस करान दे विच ते मज तो असी बहुत कुछ कमा लांगे। और चाइनीज़ कंपनी दे दोस्त भी इत्थे आए सन और वो साडे नाल इस खुशखबरी नू भी वंडदे पए ने कि आने वाले 2.5-3 महीने के जी असी एफर्ट की सी मज का सैक्स सीमन पाकिस्तान अवेलेबल होएगा। अमरीका दी जेनेटिक दी और सैक्स सीमन दी दुनिया की सब तो वड्डी कंपनी ST जेनेटिक वो भी पाकिस्तान आ रही है। मैं तुहाडे इस अज दे दिन 2 मार्च वर्ल्ड बफलो डे दे हवाले नाल तमाम दोस्तों नू दावत देना वा कि 16 तो 18 मार्च बहादुर नगर उकाड़ा दे विच साडा एनुअल बफलो मेला हो रहा है। तमाम साथी उत्थे आन और इस शौक नू वधान। असी तमाम दोस्तों नू वेलकम भी करांगे। उम्मीद है कि साडे चीफ गैसट CM पंजाब होणगियां और साडे आने वाले नए मिनिस्टर भी सानू ज्वाइन करनगे। सैकटरी लाइफ स्टॉक ने कमिट किया है कि असी इस मेले नू पूरी अच्छी तरह मनावांगे और इस दिन ते अपनी महरूमियां नू भी याद करने आ कि सानू इस सैक्टर की तरफ साडे फार्मर जे राइट्स ने उन्हां दी गल करनी होएगी। अगर असी मज की दुनिया के एक पॉलिसी जी दुनिया दियां ने उन्होंने अमल दरामद करके मज का दुध ब्रांड यानी ग्रेडिंग ऑफ मिल्क मज के दुध के पैसे दुनिया ज़्यादा ने गां के दुध के घट ने। अगर असी भी अपने फार्मर नू दुआ ने कामयाब हो जाएंगे तो दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी आटोमैटिकली फार्मर खुद ले आएगा। थैंक यू वेरी मच। और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का सिस्टम स्टार्ट किया, 1 साल कंप्लीट हो गया और नया साल स्टार्ट है। उनके काफियों को देखते हुए बफलो ब्रीडर एसोसिएशन ने डिसाइड किया है उन्हें अपना बफलो एम्बेसडर डिक्लेयर करें। तो मैं दरख्वास्त करूंगा फातिह साहब को साल साहब को मेडिसिन है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 2 मार्च जो वर्ल्ड बफलो डे है वो बहुत अच्छी तरह से मनाया गया है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट पाशा साहब आए थे और उसके अलावा CRO साहब और BRI की सारी टीम थी। और सबसे मैं जितने भी एसोसिएशन के नुमाइंदे इधर आए और जितने भी ब्रीडर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के वर्ल्ड बफलो डे मनाया। और इस डे को हमारा सेक्रेटरी साहब समी साहब की कोशिशों से इंटरनेशनल बफलो इंस्टीट्यूट वाले भी हमारे शामिल हुए इंटरनेट के साथ, तो उनके साथ सारी डिस्कस की गई और फ्यूचर के जो भी मामलात हैं वो उनके साथ डिस्कस करके बफलो को फ्यूचर में कामयाब करने के लिए तमाम तदाबीरें सोची गई। और मैं इस डे के हवाले से सारे ब्रीडर को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ
कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एनुअल हमारा मेला होता था वो मंजूर हो गया और 16 से 19 तक वो मेला हो रहा है, जिसमें मैं सबको दावत आम देता हूँ कि अपने जानवर लेके आएँ और इस मेले की रौनक को बढ़ाएं। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि मुझे बिल्कुल नई जिम्मेदारी दी गई है सारी टीम की तरफ से, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाऊँ और साथ मैं सारे ब्रीडर से अपने दोस्तों से तावन मांगूंगा कि वो मेरा साथ दें और एसोसिएशन को कामयाब करें, क्योंकि एसोसिएशन की कामयाबी ही बफलो की कामयाबी है। और ये जो बफलो है ये हमारे मुल्क का एक कीमती असासा है, जिस तरह इसमें प्रोग्रेस होगी मुल्क भी तरक्की करेगा और फार्मर्स भी तरक्की करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर आज वर्ल्ड बफलो डे दे विच एज ए पीडीएफ जनरल सैकटरी शिरकत की, असं शुक्रिया अदा करने हैं बफलो ब्रीडर एसोसीएशन का और गवर्नमेंट ऑफिशियल जिन्होंने इस चीज़ को अरेंज किया। और सदर साहब ने पहले अनाउंसमेंट दी जी 16 से 19 मार्च अपना मेला हो रहा है, बफलो मिल्क कंपीटिशन हो रहा है। इससे सारे दोस्तों असं भी रिक्वेस्ट करेंगे सारे दोस्त शिरकत करें। और इस मौके के उत्ते मैं खुशी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हुई है कि जरा पाकिस्तान डेयरी फार्म एसोसीएशन ने जो प्लेटफॉर्म तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनया 36 किलो 950 ग्राम का, उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया और इंटरनेशनल जोड़े गैसट ने उन्हें भी शेयर किया गया। इस उत्ते मैं ब्रीडर एसोसीएशन का और जोड़े साढ़े अजे बी आर ई पत्तूर सी आर ओ और पाशा साहब एक्स वाइस चांसलर यूआस यूनिवर्सिटी उन्होंने भी शुक्र गुजार हाँ। और सब तो ज़्यादा साड़ी एफर्ट्स और साड़ी ताकत साढ़े फार्मर्स ने जोड़े पी डी एफ ए प्लेटफॉर्म से जुड़े ने, ठीक है, जिन्हों की असी जानवरों को विखा के पूरी दुनिया के बफलो का नाँ रोशन कर रहे हैं। मैं वर्ल्ड बफलो डे जोड़ा है ये अपने उन्होंने ब्रीडर्स के और उन्होंने फार्मर्स के नाँ करना जो पी डी एफ ए प्लेटफॉर्म से जुड़े ने। इस मौके पर जी मैं बफलो ब्रीडर एसोसीएशन का शुक्र गुजार हाँ, उन्होंने मैनू पी डी एफ ए जनरल सैकटरी के नाल नाल बफलो अंबैसडर का एक नई जिम्मेदारी सौंपी और इंशाल्लाह ताला जी तवक्कोआत ने ब्रीडर्स की और बफलो ब्रीडर एसोसीएशन की उससे असं इंशाल्लाह ताला पूरा उतरांगे। और जी असी रिकॉर्ड कीपिंग करवा रहे हैं लाइव मिल्क कंपीटिशन करवा रहे हैं इसकी, और नैक्सट साडा एक प्रोग्राम होर आ रहा है जोड़ा कि असी अनाउंस करांगे अपने जोड़ा साडा मेले की एंड सरमनी होगी अवार्ड शो के उत्ते। इस सारी चीज़ों असी ब्रीडर एसोसीएशन के नाल डिस्कस करके और अपने फार्मर्स भाइयों के नाल डिस्कस करके इसनों अगे लेके चलेंगे। और नो डाउट पाकिस्तान की नीली रावी मज जी है ये चूँकि असी बफलो पापूलेशन के हिसाब के नाल पूरी दुनिया दूसरा वड्डा मुल्क है, लेकिन प्रोडक्शन के लिहाज नाल पाकिस्तान पहले नंबर पर। और इस मजीद असी इंशाल्लाह ताला सारी एसोसीएशन मिल के अगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बफलो डे के मौका पर वर्ल्ड बफलो डे के मौके पर इस चीज़ का आज़म हम करते हैं, हम हाजी सईद हुतियाना साहब जो हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं उनकी सरबराई में और हमारे न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट खान अली इमरान खान रथ साहब और जो हमारी दूसरी टीम है जिसमें राणा वकास साहब हैं, राशिद बोदरा साहब आ जाए हुए हैं, बाकी सारी टीम सईद हसन नवाज साहब अब हमारा हिस्सा हैं, असद साहब फैसलाबाद से आए हैं, सारे दोस्त मिलके सारे बफलो लवर्स हमने ये अहद करना है कि हमने अपनी बफलो को आगे लेके जाना है। बफलो की ब्यूटी हो, बफलो का दूध हो, हमने बफलो के लिए काम करना है और एज ए टीम हमने इस काज को आगे लेके जाना है। एसोसिएशंस काम के साथ जो हैं वो फली फूलती हैं, उनका नाम होता है, काम हो तो एसोसिएशन का नाम है। एसोसिएशन फार्मर्स के साथ है, एक बंदे का नाम एसोसिएशन नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता, हर बंदे को अपने हिस्से का काम करना चाहिए और सारे थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो ये एसोसिएशन फले फूलेगी। हमारे पास बहुत ज़्यादा टारगेट्स हैं, हमने उनको मिल के अचीव करना है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इख्तलाफात बुला के हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर बफलो की बेहतरी के लिए काम करें। शुक्रिया।